करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। आज मैं लाया हूँ आप लोगों को एक प्रैक्टिकल साइट में क्या क्या चीज़ें दिखता है उसके बारे में लेके आता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ एक एक्सकवेशन में, एक्सकवेशन पिट के अंदर खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। एक्सकवेशन पिट में हम क्या क्या यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेंटर लाइन लेआउट। यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेआउट हुआ है प्रॉपरली। सेंटर लाइन लेआउट में धागा मार्किंग हुई है और धागा मार्किंग के साथ साथ यहाँ पर आगे के जो प्रोसीजर होते हैं उसको यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से कंटिन्यू चले हैं। जैसा कि यहाँ पर सैंड फिलिंग हुआ है, PCC हुआ है, यहाँ पर फुटिंग कॉन्क्रीट हुआ है, फुटिंग की मैश बंदी है, यहाँ पर फुटिंग का शटरिंग हुआ है, यहाँ पर उसके बारे में कंप्लीटली प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसा साइट पर दिखता है ये सब चीजें। इसके बारे में आइए चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले सैंड फिलिंग की ओर। कि सैंड फिलिंग जब भी हम साइट पर आते हैं तो सैंड फिलिंग कैसा दिखता है कुछ उसके बारे में मैं बताता हूँ। और इसका यूज मैं प्रीवियसली आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कैलकुलेशन वाली वीडियोज हैं आपके पास उन सभी कोर्सेज के वीडियोज में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की जो आपने वीडियोज फॉलो की है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ सैंड फिलिंग की इंपॉर्टेंस। लेकिन दोबारा से बताता हूँ आपको सैंड फिलिंग, जैसा कि जिस चीज पर मैं अभी जिस बेस पर खड़ा हूँ ये सैंड फिलिंग है। जबकि इससे पहले यदि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सॉइल का बेस है, यहां पर ये सॉइल का बेस क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यदि डायरेक्टली मैं अपना प्लेन सीमेंट कंक्रीट इस सॉइल के ऊपर रख दूंगा तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, आपका वाटर सीमेंट रेशियो को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो आपके पीसीसी आपको स्ट्रेंथ देने वाला था वो स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक बेस दिया गया है जहां पर मैं अब ये खड़ा हूं। यहां पर देखिए, मैं अपने यहां पर कैमरामैन को भी बोलना चाहूंगा कि इसको फोकस करके यहां पर दिखाएं जल्दी से सैंड फिलिंग। कि सैंड फिलिंग जो है यहां पर, ये सैंड फिलिंग जिस पर मैं खड़ा हूं, ये एक क्या करता है, प्रॉपर बेस का काम करता है। कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो आएगा यहां पर उसके और आपके सॉइल के बीच में एक गैप मेंटेन कर रहा है। ये सैंड फिलिंग हम कितना दे सकते हैं साइट पर, सैंड फिलिंग देते हैं हम 4 इंच से लेके 8 इंच अपने साइड पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक प्रॉपर बेस बने, साथ के साथ फुटिंग के लिए एक्ट करे एज अ कुशन, जिससे फुटिंग यहां पर क्या रहे, एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करे फुटिंग के लिए। फुटिंग को कभी भी यहां पर जब भी कोई वाइब्रेशन होती है अर्थ में तो डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं है मेरा फुटिंग, अब किसके कॉन्टेक्ट में, सैंड फिलिंग उसको क्या कर देगा, अर्थक्वेक को वाइब्रेशन को रेजिस्ट कर लेगा, जिससे मेरा यहाँ पर फुटिंग, मेरा स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपरली क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों आइए दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट जो कि होगा आपके लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो देखते हैं यहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट कैसा दिखता है हमें हमारे स्ट्रक्चर में। तो आप लोग देखेंगे जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये है एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट का पार्ट। जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं सभी IS कोड के लिए IS कोड फॉलो करते हैं कि आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जो रेशियो डिज़ाइन करना है आपको M15 का रेशियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। M15 का जो रेशियो होता है इसको हम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉपर हमें स्टेबल बेस मिलता है जिससे फुटिंग हमारी कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि फुटिंग में काफ़ी लोड हमें लगाना पड़ता है, हमें रेनफोर्समेंट बिछाना है, हमें यहाँ पर जो शटरिंग प्रोवाइड करनी है उसको ठोकेंगे। यदि मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर सॉइल पर आ गया और सॉइल पर मैं यहां पर ठोकता हूं नीचे, तो यहां पर शटरिंग जो होगा वो नीचे कोलैप्स हो जाएगा, नीचे बैंड हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या करते हैं, हम प्रॉपर बेस प्रोवाइड करते हैं जो कि होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट देने के बाद यहां पर आप लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको सेंटर लाइन लेआउट के बारे में। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहां पर इंसर्ट किया गया एक रॉड को और रॉड में इंसर्ट है यहां पर एक थ्रेड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थ्रेड। ये थ्रेड आगे जाकर एकदम सेंटर लाइन लेआउट जहां भी इसका मार्किंग हुआ है सेम थ्रेड आगे गया है। ये थ्रेड क्या काम करेगा दोस्तों, थ्रेड काम करेगा आपका मार्किंग का, कि आपको फुटिंग को कॉलम को एक सेंटर पॉइंट पे प्रोवाइड करना है, जिसके लिए करते हैं हम सेंटर लाइन लेआउट, जो कि हम अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में भी आप लोगों को सिखाते हैं सेंटर लाइन लेआउट के बारे में। तो यहां पर अब मैं दिखाता हूं आपको सेंटर लाइन लेआउट से क्या फायदा होगा। देखिए क्या होता है, जब कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं तो कॉलम को हमेशा कहाँ देना है, हमको सेंटर ऑफ एक्सिस पर प्रोवाइड करना है। सेंटर ऑफ एक्सिस से क्या होता है, लोड हमारे इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हमारा लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेफ हो जाएगा। क्योंकि एक इंजीनियर बिल्डिंग को डिजाइन करता है 75 सालों के लिए, तो पूरा यहां पर क्या करना है, हमको रूल्स को फॉलो करने हैं। आइए दोस्तों आगे दिखाता हूं आपको फुटिंग के बारे में कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटिंग होती है दोस्तों। कैलकुलेशन तो आपने सीख ली एकदम अच्छे तरीके से, रिकॉल करिए जल्दी से dy3 इंटू a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट a1 इंटू a2, वेयर a1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, a2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ दिखता है और एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट कहाँ पर दिखता है, और साथ में शटरिंग कितने पार्ट में प्रोवाइड करते हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को प्रोवाइड करने के लिए। तो आइए दोस्तों दिखाता हूँ आज आपको कि कैसे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आइए दोस्तों आज आपको दिखाता हूं यहां पर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। देखिए दोस्तों ये जो आपको फुटिंग दिख रही है ये है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के अंदर सबसे पहले जो नीचे वाला भाग दिख रहा है आपको वो है आपका रेक्टेंगल भाग का भाग।
ऊपर जो पार्ट दिख रहा है आपको, यह ट्रेपेजोइडल पार्ट, ये मैक्सिमम लोड ट्रांसफर करने में सक्षम होती है स्पीज वाली फुटिंग। और साथ में यहाँ पर जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस फुटिंग को कहा जाता है इकोनॉमिकल फुटिंग। दोस्तों अब आपको समझाता हूँ सही से कि यहाँ पर आपको क्या क्या पार्ट आपको समझना है। सबसे पहले जो लेयर है नीचे, जो आपको लेयर दिख रही है, ये है सैंड फिलिंग की लेयर। सबसे पहले नीचे लेयर है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग के बाद जो नीचे ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर। और आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ आपने mm यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है। ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये चारों तरफ से आपका केवल 100 mm यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा किया है, कि जिससे आपके फुटिंग के बाद जब शटरिंग लगाएंगे, जैसे एक शटरिंग का पार्ट है ये, यहाँ पर शटरिंग है, ये लगा सके तो एक स्टेबल बेस मिले शटरिंग के लिए। इसलिए यहाँ पर 100 mm हमें देना जरूरी है, ये हमारे लिए कि कॉन्ट्रैक्टर का ईज हो जाता है, यहाँ पर काम करने में आसानी हो जाती है, शटरिंग लगाने में आसानी हो जाती है, इसलिए 100 mm देना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों आप लोग भी जब साइट पर जाएं तो अपने हिसाब से यहाँ पर 100 mm तक आप कम से कम यहाँ पर 100 mm मिनिमम आप प्रोवाइड करें यहाँ पर ये। और इस बात की आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपके लेवर ने यहाँ प्रोवाइड किया यहाँ पर 100 mm या नहीं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ट्रेपेजोइडल पार्ट की। ट्रेपेजोइडल पार्ट जब बनाते हैं तो उसके लिए कभी भी शटरिंग प्रोवाइड नहीं करनी होती है, शटरिंग प्रोवाइड करनी होती है केवल रेक्टेंगल पार्ट में। इस रेक्टेंगल पार्ट की शेप देने के लिए शटरिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि चारों साइड लगाया गया है। आप लोग देखेंगे इस साइड भी लगाया है, इस साइड भी लगाया है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पीछे भी लगा है बैक साइड में, और उस साइड बैक साइड में भी आप लोगों के लिए यहाँ पर शटरिंग प्रोवाइड किया गया चारों साइड, जिसको निकालने के लिए एकदम मैंने इसी मेथड में आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों, जिसमें आप सीखते हैं इजिली कि चारों साइड का लेंथ। देखिए यदि मैं इसको लेंथ कहूंगा तो इसके पी बैक साइड भी हो जाएगी लेंथ, यदि मैं इसको विड्थ कहूंगा तो इसके बैक साइड भी हो जाएगी विड्थ, तो दैट इज 2l+2b। और हाइट सबकी क्या है, सेम हाइट है। देखिए दोस्तों ये हाइट क्या है, सबकी सेम है, जितनी हाइट यहां से यहां तक है सेम चारों साइड है। तो इजीली फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, चारों साइड का सम। एकदम इजी मेथड से आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सिखाता हूं मैं यहां पर कि कैसे आप किसी भी क्वांटिटी को इजीली केवल साइड पर मैं दिखाऊंगा और आप प्रैक्टिकली सीख जाते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के प्रोग्राम में। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे यहां पर ट्रेपेजोइडल फुटिंग में ये टेपर दिया गया है, ये देख रहे हैं टेपर, ये टेपर दिया गया है, ये टेपर आपका यहाँ से लगाना होता है। इस टेपर की भी आपको हाइट दी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये हाइट कितनी होगी, कि इसके टॉप पार्ट से इसके बॉटम पार्ट की, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल, जो हमने A1 A2 लिया था ना दोस्तों, तो A1 ये है आपका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, दैट इज जो भी फुटिंग की हमें लेंथ दी होगी, और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ, जो कि हमें फुटिंग की विड्थ दी गई है। ये तो हुआ हमारा A1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। यदि आपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में आप लोग जानते होंगे उस फॉर्मूले के लिए, जिस फॉर्मूले को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि इंजीनियर के लिए केवल यही चीज़ यहाँ पर कमी होती है कि मैक्सिमम इंजीनियर केवल गलती करते हैं इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। मैक्सिमम इंजीनियर जान ही नहीं पाते कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, कि पहले ही हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर लें कितना क्वांटिटी यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर ड्राइंग के अंदर, यहाँ पर आपको जब भी आपको ड्राइंग मिलेगी, आपको इस कॉलम के एज से इस ट्रेपेजोइडल के टॉप पार्ट के एज तक जितना स्टेबल बेस दिया गया आपको, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल इस तरफ है, देखिए दोस्तों ट्रायंगल इस तरफ है ना ये, लेकिन यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बेस दिया गया है। ये क्यों देते हैं, ये देते हैं आपके जो ये आपका जो रेनफोर्समेंट है किसका, पेडेस्टल कॉलम का। इसके लिए भी यहाँ पर आपको शटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब शटरिंग का आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको चाहिए एक स्टेबल बेस। स्टेबल बेस के लिए यहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पर क्या किया, कंसीडर किया है। तो दोस्तों यही डिस्टेंस आपका क्या है, A2 है। A2 निकालना एकदम सिंपल है आपके लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट, जितना भी आपके कॉलम का साइज दिया हुआ है उसमें जितना भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपके ड्रॉइंग में दिया गया है दोनों तरफ, ये तो हो गया आपका लेंथ। आपका जितना भी कॉलम का विड्थ दिया हुआ है उसमें जितना भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है आपका, ये देखिए दोस्तों ध्यान से, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जितना दिया हुआ है ये ड्राइंग में आपको कंसीडर करना है, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके लिए हो जाएगा विड्थ। तो सिंपली यहाँ से हम निकाल पाते हैं A2। तो ये थी आपकी कंडीशन किसके लिए, ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए, जो कि मैंने आपको सिंपली बताया ट्रेपेजोइडल फुटिंग की कैलकुलेशन के बारे में, ट्रेपेजोइडल फुटिंग कैसा दिखता है साइड पर प्रैक्टिकली। इसके लिए अलावा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बार बेंडिंग शेड्यूल का। बार बेंडिंग शेड्यूल का जब आप कोर्स अटेंड करेंगे, आप जब लेक्चर अटेंड करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के, तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होता है फुटिंग का मैच देखना। फुटिंग का मैच भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि ये जो फुटिंग बनी है इस फुटिंग का मैच कैसा दिखता है हमारे साइड पर, तो उसके बारे में आपको कंडीशन में यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपके मैच की रेनफोर्समेंट कैसी दिखती है। लेकिन यदि आपको कैलकुलेशन पार्ट सीखना है दोस्तों तो जरूर ज्वाइन कीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के बार बेंडिंग शेड्यूल पार्ट के लेक्चर को। तो आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल की कैसे दिखता है यहाँ पर स्टील की रॉड। आपका सबसे पहले ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर दिख रही है आपको, जो बेस है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेस है।
उसके अलावा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपके रॉड हैं, स्टील के रॉड। देखिए ये जो यहाँ पर मोड़ा गया है ये एक एंगल से मोड़ा गया है यहाँ पर। इसकी कटिंग लेंथ सिखाना हम यहाँ पर सिखाते हैं आपको बारबेंडिंग शेड्यूल। देखिए दोस्तों, कटिंग लेंथ निकालना इज़ नॉट अ बिग टास्क। आपको जो सीखना है यहाँ पर रेनफोर्समेंट के बारे में सीखना है कि रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन कैसे होता है, क्यों यहाँ पर यही रेनफोर्समेंट दी गई, क्यों यहाँ पर रेनफोर्समेंट के लिए एंगल यहाँ पर डिसाइड करते हैं। आपको ये कंप्लीटली सीखना है तो आपको मिलेगा बार बेंडिंग शेड्यूल में। आप यहाँ पर समझिए कि आपको जो बार दी गई है ये दो डायरेक्शन में बार लग रही है, यहाँ पर आपकी एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरी आपकी वाई डायरेक्शन में, जो कि अभी बांध रहे बाइंडिंग वायर से। साथ के साथ यहाँ पर आप जो बार दे कंप्लीटली यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है, एक प्रॉपर डेजिग्नेशन आपके ड्राइंग में दी जाती है, उसके अनुसार यहाँ पर कंप्लीटली लगाए।